डॉक्टर एम के यादव एनएलसी साहब जो आज हमारे प्रचार अभियान में हर चीज में शक्तियों का अभिनंदन स्वागत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पिंकी कुशवाहा जी, प्रीति शेखर जी सहित सभी अपने जो अपनी मातृशक्ति है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ये खमंडिया अलायंस दो बातों का गठबंधन है, दो बातों परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन, ये सब परिवारवादी पार्टियां सब परिवार, और दूसरा गठबंधन है ये सभी भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टी, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां सभी भ्रष्टाचार कोई बचा नहीं है। तो जिंदगी भर एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, आजकल गलभाइयां करके घूम रहे, दोस्ती करके घूम रहे, क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार में आकर के डूबे हुए। मैं आपके सामने देश की तस्वीर थोड़ी सी खींचना चाहता हूं, मैं देश की तस्वीर आपके सामने खींचूंगा। मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू राबड़ी तेजस्वी देवता मीना मीसा ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी? ये पड़ोस में ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, दक्षिण में केसीआर केटीआर कविता ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणा निधि उदय निधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद परिवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये भी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब झुंझुना बजाओ, ये सारे परिवार की पार्टी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कांग्रेस पार्टी ने, और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी, बताइए कांग्रेस पार्टी ने ये कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था। जरा जोर से बोलना, कोयला का घोटाला किया था? बताइए, कांग्रेस ने पंडुपी घोटाला किया था? किया था। 2G घोटाला किया था? किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था? किया था। आप बताइए, इन्होंने अलकतरा घोटाला किया था? आप बताइए, इन्होंने ये अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला किया था? इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा, सब जगह भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार किया। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, के कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ मिल गए। जमानत पर संजय सिंह, जमानत पर लालू यादव, जमानत पर हमारा ये पी चिदम्बरम, जमानत पर कार्तिक चिदम्बरम, जमानत पर ये सब जमानत पर। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में, हमारा मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, हमारा आजम खान जेल में, ये सब जेल में, आधे जेल पर है और आधे जेल में है, ये इनकी कहानी है, इसको आपको ध्यान रखना। ये घमंडिया गठबंधन ये परिवार वालों का गठबंधन है और कुछ नहीं है। सर आप बताइए, मीसा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? हमारे अनिल शर्मा जी बैठे, हमारे पुराने नेता, हमें याद आ गया, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया
अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए और आकर भ्रष्टाचार में डूब गए और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ दोस्ती हो गई। इतना बदलाव आ गया। मित्रों, अजय मंडल जी को दिल्ली भेजना ये लक्ष्य तो है, लेकिन यही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अजय मंडल जी को भेजकर तीर के निशान पर अपनी उंगली बटन दबाकर हमें अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन 10 साल के आगे बहुत बड़ा परिवर्तन। एक समय था जब आप राजनीति और राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में आपकी टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके धरने में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए, ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की भारत के राजनीति के माननी की बन गई। लेकिन 10 साल में यह अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत आज लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। यही बिहार की तस्वीर, मैं तो यहां मेरे बचपन के 20 साल गुजरे, मैंने देखा है वो भारत और मैंने वो भागलपुर भी देखा है। मैं आज चर्चा कर रहा हूं, मैंने सम्राट जी को कहा भागलपुर की सड़कें बदल रही हैं, नहीं तो पहले पता नहीं चलता कि था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मैंने वो भी नहीं देखे, लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। इसको बढ़ाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। मैं अगर रेलवे की बात करूं तो रेलवे ने भी 51,866 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक नया बिछाया गया, इसको भी हमको ध्यान रखना। रेलवे एयरवेज हर किसी से विकास के दृष्टि से काम कर रहा हूं। मैं अभी अभी हमारे आम आदमी के साधारण मानवी के बारे में बात की, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के राज में और यहां पर हमारे एनडीए के डबल इंजन की सरकार में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यही नहीं रुक रही है, 2023 तक अगले 5 साल का भी मोदी जी ने 2024 के अंतिम कैबिनेट में तय कर दिया कि हम 5 साल फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाते रहेंगे और गरीबों को अन्न खिलाते रहेंगे कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना है। 3 करोड़ और मकान बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। हमने ये भी बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत की बात भी करना चाहता हूं। आपने लोकल मीडिया हो रहा है,
सुना होगा और हमारे एमएलए पहले क्या किया करते थे, एक चिट्ठी लिखते थे किसको, मुख्यमंत्री, क्या लिखते थे मुख्यमंत्री, ये किन्नर समाज जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उस किन्नर समाज के लोगों के लिए थी। और देश के सभी 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग और माताओं के लिए, किसी भी आमदनी का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, उन सबको मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का आयुष्मान भारत में निर्णय ले लिया है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी मैं बताना चाहूंगा, जितने मुद्दे रखे सब विकास कर रखे। अभी अजय मिंडा जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा, ये विकासवाद की राजनीति। आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है, कितनी भी तकलीफ सहलेगा लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार, इस बात को मैं जानता हूं। और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं, आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है, आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था, आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़ कर आज भारत 5 साल 27 देश के बारे में गाड़ी है, ये ऑटोम, ये टोयोटा है, ये जैक्सन है, ये जापान की गाड़ी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ कर अब 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है, उसको भी हमको। आज हम दवाई में दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई पैदा करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला दुनिया का 2रे नंबर का स्थान भारत का। दुनिया में कि हम डिस्पेंसरी बन गए, दुनिया का दवाई देने वाले देश बन गए, 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हमारा निर्यात 138% बढ़ गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है, ये आपको जानकारी हूँ। और 26 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर आप संदेश दीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री के पास मैं पहुंचा दूं, यही मेरा आग्रह और यही मेरा विनती है, इतना ही बात कहता हूँ। और माननीय आप लोग जानते हैं कि आज भागलपुर लोकसभा का चौमुखी विकास हो रहा है, जो माननीय प्रधान भारत सरकार से जितना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जितनी सौगातें दी है भागलपुर लोकसभा को, वो बता हुआ सौगात है माननीय प्रधानमंत्री से लाकर मैं आपके बीच दूंगा, यही मेरा वादा है, ये हम देता हूँ और सब उनको प्रणाम करता हूँ।